हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं ब्राउन बिटी स्मृति अरोड़ा सो so, आज ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज मैं करवा रही हूं अपना मेकओवर बाय भवनीश मेकओवर से और uh, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और देखो अभी मेरा हेयर स्टाइल हो रहा है और हम स्टार्ट करते हैं सो so, ये है पूरा मेकअप और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस और ये है मेरे मेकअप आर्टिस्ट भवनीश मेक ओवर्स गाइस जाओ जल्दी जल्दी एंड फेसबुक पर फॉलो कर लो इनको और मैं इनका नंबर मैंशन करती हूँ एंड में प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट करके भी अपना मेकअप स्लॉट बुक करवा सकते हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने हेयर स्टाइल से सो so, ये मेरा हेयर स्टाइल हो रहा है आ, पहले हमने सोचा थोड़ा सा हेयर स्टाइल करवा लेते हैं और ये मेरी ड्रेस रेडी है विद फुल ऑफ मेकअप किट के साथ और ये पूरा और ये मैं ड्रेस पहन चुकी हूँ और अभी तक फेस पे कुछ नहीं लगाया सिर्फ लेंसेज वेर कर रहे हैं और अभी ये मॉइस्चराइज़र लगा चुके थे अब ये मेरी ब्रो फिल हो चुकी है और उन्होंने मेरी आई पे कंसीलर भी लगा लिया और अब ये कंसीलर सेट कर रहे हैं मेरे आई मेकअप के लिए सबसे पहले इन्होंने आई मेकअप स्टार्ट करा है और अभी अच्छे से सेट कर रहे हैं मेरा आई मेकअप और अभी इन्होंने आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है विद शेड्स सो एक आई पे आप देखो शेड्स लग चुका है ये सेकेंड आई पे लग रहा है और अब ये मेरी कट क्रीज आईज़ बना रहे हैं तो इन्होंने काफ़ी कलरफुल आई मेकअप करा मुझे बहुत अच्छा लगा अपना आई मेकअप ये कट क्रीज के लिए वो क्रीज़ लाइन बना रहे हैं सो so, ये आ, मेरे कट क्रीज पे कलर्स फिल हो रहे हैं और आप देखना मतलब बहुत ब्यूटीफुल इन्होंने आई मेकअप के साथ प्ले करा मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इनका आई मेकअप और मैं फिर से बताना चाहूँगी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इनको भी आप फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर लो भुवनेश मेकोवर्ज के नाम से और ये मेरा आई मेकअप पूरा हो चुका है अब मेरे फेक आई लैशेज सेट हो रहे हैं ये आई देखो आई भी सेट हो चुके हैं अब आई लग रहा है मतलब इन्होंने ना फुल वर्क करा मेरी आईज पे मुझे स्पेशली ये अच्छा लगा कि बहुत अच्छे से बहुत आराम आराम से मेरा आई मेकअप करा और बहुत ब्यूटीफुली उठ के आया एक्चुअली मेकअप अभी देखो चाहे टाइम लगा मेकअप में लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इनका आई मेकअप वैसे तो फुल ऑफ लुक आप मेरा पूरा देख ही चुके हो स्टार्टिंग में तो लेकिन इनका तरीका आप देखो और अब ये आई मेकअप सेट हो चुका है अब ये मेरा बेस लग रहा है कंसील वो कर चुके थे एक्चुअली तो मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बना पाई क्योंकि मेकअप करते हुए ना ज़्यादा डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं लगता ना इंसान काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है तो इसीलिए मैंने इनको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं सोचा मैंने कहा जितना मैं कर पाऊँ बना पाऊँ उतनी ही बना लूँगी और ये मेरा आई मे आ, बेस सेट हो रहा है सो मेरा ये बेस सेट हो रहा है फेस बेस लगा चुके थे ये अभी अपने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से सेट कर रहे हैं और आप देखना यार बहुत ब्यू ब्यूटीफुली सच में मेकअप उठ के आया और मुझे अच्छा लगा तभी मैं आपके साथ रिव्यू कर रही हूँ पर्सनली अच्छा लगा मेकअप क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा बेस्ट चीज़ ही रिकमेंड करती हूँ अपने फ्रेंड्स को सबको तो अब ये इन्होंने लूज पाउडर से मेकअप सेट करने के लिए लगाया है ये लूज़ पाउडर है और अब ये कंटोरिंग कर रहे हैं फेस की चिक्स की और फेस की अभी चिक्स की कंटोरिंग हो रही है और ये ना बहुत बेस्ट पार्ट होता है एक्चुअली कंटोरिंग ना क्योंकि इससे आपका मेकअप और फेस की अलग ही लुक आती है अब ये फेस का कंटोरिंग कर रहे हैं एक अलग फील आती है कंटोर से ना मतलब उठ के आता है मेकअप और ये देखो मेरा ब्लश और कंटोर सब हो चुके हैं ऑलमोस्ट डन है मेरा मेकअप बस वो आई मेकअप अब नीचे का थोड़ा सा सेट कर रहे हैं और बहुत तो, फ्रंट में बिल्कुल आ, सिल्वर सा एक शेड दिया था इन्होंने ये देखो आप और आई मेकअप भी नीचे से भी देखो कितना अच्छा लग रहा है अब उसको और थोड़ा सा कलर्ड कर रहे हैं मतलब यार आ, मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप में ना हर चीज़ बहुत आ, जब तक हर चीज़ उठ के नहीं आए ना तब तक मज़ा नहीं आता तो इनके मेकअप में वही मुझे बात अच्छी लगी कि हर चीज़ उठ ग्यार थी और अब हम हेयर स्टाइल की तरफ बढ़ चुके हैं फ्रेंड्स से इन्होंने क्रिम्पिंग करी थी पीछे से हल्के से कर्ल्स करे थे हेयर्स और अब वो एक बर्न बना रहे हैं सुंदर सा और आगे से बहुत नॉर्मली हेयर स्टाइल देंगे बहुत मतलब बहुत डिसेंट सा ना ये देखो आप बहुत हल्की हल्की बैक कॉमिंग करके बहुत डिसेंट सा हेयर स्टाइल दिया और मैंने बर्न फर्स्ट टाइम बनाया था मैंने अभी तक तो कभी ऐसा बर्न बनवाया नहीं है तो मेरा ये बर्न फर्स्ट टाइम था तो मुझे अच्छा लगा और ड्रेस पे पूरा चढ़ रहा था और पता है एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी कि मेकअप का लुक ना हमेशा हेयर स्टाइल से उठ के आता है जब तक आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं होगा ना तो मेकअप चढ़ता नहीं है तो हेयर स्टाइल भी मस्ट है एक अच्छा सा होना आपके मेकअप और ड्रेसअप के साथ तो हमेशा अपने हेयर स्टाइल पर भी ध्यान रखिए कि अच्छा बनाएँ जो भी आपका मेकअप अच्छा कर रहे हैं वो हेयर स्टाइल पर भी पूरा फोकस रखें वरना कई लोग होते हैं तो मेकअप अच्छा कर देते हैं अगर हेयर स्टाइलर है तो हेयर स्टाइल ही अच्छा करता है बट दोनों चीज़ अच्छी होनी चाहिए और ये उन्होंने बिल्कुल सिंपली एक बहुत ब्यूटीफुल सा डिसेंट लुक सा एक फ्रंट दो पार्ट्स में डिवाइड करके और पीछे एक स्मॉल सा बन बना के एक हल्की सी एसेसरी लगा दी कोई हैवी हेयर स्टाइल नहीं कोई हैवी एसेसरीज नहीं और ये मेरा फुल लुक और ये हल्का सा लास्ट टचअप हो रहा है फिनिशिंग के लिए और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ और गाइस कमेंट ज़रूर करना और बताना कि मेरा ये लुक आपको कैसा लगा सॉरी ये वीडियो लेट आ रही है बट तो, मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी इसलिए मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाई थी अब आपको बैक टू बैक मेरे ब्लॉग मिलेंगे और ये है मेरे मेकअप आर्टिस्ट भवनीश मेकओवर मैं इनका नंबर मेंशन करती हूँ एंड मैं जाओ और जाके इन्हें फॉलो करो इंस्टा और फेसबुक पे भी और मेरा आई मेकअप आपने देख ही लिया था कितना सुंदर हुआ था ये मेरा फुल लुक और प्लीज़ मेरी वीडियो पर कमेंट लाइक शेयर करना ना भूलना और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं